सेल्फी ने ले ली 14 लोगों की जान। वडोदरा में जानलेवा पिकनिक में मारे गए 12 स्कूली बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? गुजरात के वडोदरा में हुए नाव हादसे के संबंध में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। वडोदरा के हरनी झील में गुरुवार को एक नाव के पलटने से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यह बताया गया है कि गुजरात में वडोदरा शहर के हरनी झील में गुरुवार को एक नौका के पलट जाने से उसमें सवार 12 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। इस घटना के पीछे का कारण क्या है कि छात्र पिकनिक के लिए आए थे और हरनी झील में नाव यात्रा कर रहे थे जब दोपहर में यह अफसोसजनक हादसा घटित हुआ। अधिकारी के अनुसार नाव में 27 लोग सवार थे जिनमें 23 विद्यार्थी और 4 शिक्षक शामिल थे। इस घटना के पश्चात गुजरात सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और वडोदरा जिला कलेक्टर को 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बच्चों ने जीवन रक्षा जैकेट नहीं पहना था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री सांगवी ने पत्रकारों से कहा, नौका पलटने की घटना में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। कुल 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को बचाया गया। हमें पता है कि नौका पर केवल 10 छात्रों ने जीवन रक्षा जैकेट पहना था, जो साबित करता है कि इसमें आयोजकों की गलती थी। सांगवी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 308 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य दोषियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। वडोदरा के प्रमुख डैमकल अधिकारी पार्थ ब्रह्मभट्ट ने बताया था कि विभिन्न एजेंसियों के पहुंचने से पहले स्थानीय निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। गुजरात सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और वडोदरा जिला कलेक्टर को 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। इसमें यह भी जांचने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या किसी ठेकेदार या किसी अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही हुई थी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है।